पंजाब सरकार के आदेशों के चलते रेत माफिया पर पुलिस द्वारा कसे गए शिकंजे से बौखलाए। रेत माफिया वालों ने लोगों की फसलों को रौंदकर भागना शुरू कर दिया है। ऐसा ही एक मामला थारा मेहरबान के अंतर्गत आते जमालपुर लेली में देखने को मिला। जानकारी के अनुसार सतलुज दरिया के साथ लगते गांव जमालपुर लेली में रेत माफिया द्वारा नजायज तौर पर माइनिंग कर लोगों के खेतों में से फसल को तबाह करते हुए टिप्पर निकाले जा रहे हैं। एक खेतों में काम करने वाले ने बताया कि कुछ दिन पहले भी जमालपुर लेली के चार लोग रात करीब 2 से 3 बजे उनके खेतों में से रेत के भरे हुए टिप्पर निकाल कर लेकर जा रहे थे। जब उनके द्वारा उनको रोकने की कोशिश की तो वह गाली गलौज करते हुए वहां से भाग निकले। खेतों में काम करने वाले ने बताया कि उनके मालिक के द्वारा तबाह हुई फसल की शिकायत थाना मेहरमान में कर दी गई है, जिस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने चार लोगों पर मामला दर्ज कर लिया है। लेकर के अपना 1 बजे 2 बजे रात को अपना जब इच्छा करता है तब अपना लोग चले जाते हैं यहाँ से। ये कोई नहीं कि एक गाड़ी जाए कि 10 गाड़ी जाए, जब जेसीबी के पीछे लोग जाते हैं अपना 10-5 हमेशा 2-4 गाड़ी तो हमेशा चली जाती है। मालिक का सर देखिए 6 किला तो अपना पूरा 6 किला से कम नहीं, ज़्यादा उससे ज़्यादा नुकसान हुआ है। ऐसा है कि सर देखिए 1 बजे 2 बजे हम लोग दिन में काम किए रहते हैं और शाम को अपना सोए रहते हैं, जब थोड़ी सा इधर देखते हैं तो अपना 1-2 बजे 3 बजे अपना एक ही बार निकाल ले जाते हैं। रात को देखिए सर अपना टिप्पर लोग लेकर के निकल जाते हैं, चले जाते हैं। मालिक से भी शिकायत करने पर भी मालिक भी मेरे को बोलते हैं हम तो लेबर मने हैं, अपना काम करके अपना सो जाते हैं। पुलिस के अनुसार चारों आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनको पकड़ने के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। थाना मेहरबान केसेस जो है रमनदीप सिंह कंप्लेनेंट है जमालपुर लेली का, उधर कंप्लेंट सी भी जेडे माइनिंग वाले टिप्पर ने नजायज साडे खेतां च वड़ गए सी, ते जो रोकने की कोशिश की तो वह इन्होंने कई बूहे भी चौके जाके नाल चार बंद केस रजिस्टर किया जी, हाले फिलहाल भजे हुए। लुधियाना से जागृति लहर के लिए विपन जवाहर की रिपोर्ट।